Hello friends and dear students. Welcome to online platform of Sarada Southern. Today we are discussing about the new chapter, uh, human reproduction, reproduction in human beings. Uh, so let's get started. Okay, uh, It is a common definition. What is the reproduction? We know about the reproduction in lower standard. New offspring generate from a parental. You can see there produce of offspring, otherwise, say uh, generate of offspring. Reproduction is a biological process, okay. Biological process, it means biological process, it means it's occurred in only living organism not in the non-living biological process in which a organism a organism produce or generate new offspring this process is called the reproduction both plant and animal in the human reproduction इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम मेनली बात करें तो आप सबसे पहले ये जानोगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम किन किन चीज़ों को सही से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर एक बात यह है कि यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स प्रजेंट रहेंगे सेक्स ऑर्गन्स प्रजेंट रहेंगे और ये सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो गेमिट को प्रोड्यूस करेंगे इसमें स्पेशली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस द गेमिट्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओनली अन अदरवाइज अगर आप देखें तो यहाँ पर एक और बात आ रही है कि ह्यूमन्स जो होते हैं वो वी वी पेरस होते हैं वट डू यू मीन अबाउट द वी वी पेरस वी वी पेरस वो यू मीन अबाउट द वी वी पेरस इट मीनस ये जो होते हैं वो फर्टिलाइज एक्ट को नहीं प्रोड्यूस करते हैं फर्टिलाइज एक्ट को प्रोड्यूज नहीं करते हैं लाइक like बर्ड्स या रेप्टाइल ये जो होते हैं वो बेबी को करते हैं तो वीवी पेरस का मतलब यह हुआ कि जो बेबी को प्रोड्यूस करे वो वीवी पेरस और जो फर्टिलाइज एग को प्रोड्यूस करे वो ओवी पेरस तो टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हम यहां पर डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वीवी पेरस एंड ओवी पेरस ठीक है अब बहुत कॉमन सा है जो एनसीआरटी ने दे रखा है कि इवेंट्स आप रिप्रोडक्शन की इवेंट आप कौन कौन सी पढ़ोगे और कौन कौन सी इवेंट्स हैं रिप्रोडक्शन की तो अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन की इवेंट्स हमारे पास कौन सी है तो सबसे पहले हमारे पास जो इवेंट्स आती है वो आती है गैमिटोजेनेसिस गैमिटोजेनेसिस प्रोसेस इन विच गैमिट्स आर प्रोड्यूस ओनली गैमिट्स आर प्रोड्यूस इसमें गैमिट्स प्रोड्यूस होते हैं गैमिट्स से इन ह्यूमन बींग्स टू टाइप्स इन ह्यूमन बींगस गेमिट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं ह्यूमन बींग्स है टू टाइप्स गेमिट्स मेल की कंडीशन में और फीमेल की कंडीशन में मेल के अंदर जो गेमिट्स होते हैं उनको आप क्या कहते हो ऑब्वियसली आप, आप कहोगे स्पम क्या कहोगे स्पम और जो फीमेल के अंदर जो गेमिट्स हैं वो उसको आप क्या कहोगे ओव ये बात याद रखें अब एक और बात आती है अगर हम आगे एक बात और जाने कि स्पम की फॉर्मेशन क्या कहलाती है इन द बॉडी स्पम फॉर्मेशन जो होती है वो सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर होती है ठीक है हम डायग्राम से आपको और समझाएंगे लेकिन अभी हम कॉमन से बातें कर रहे हैं सिरप और सिरप एक इंट्रोडक्शन टाइप से बात चल रही है अगर स्पम की बात करें तो स्पम हमारे पास कौन सी जगह पे प्रोड्यूस होते हैं ओबियसली टेस्टीज के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम होता है सेमनी फेरस ट्यूबल्स इन सेमनी फेरस ट्यूबल्स के अंदर स्पेशल सेल्स होती है जिनको आप कहते हो स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये स्पर्मेटोगोनिया यहीं पर आपकी स्पम बनने की प्रोसेस होती है और इसको आप कहते हो स्पर्मेटोजेनेसिस आप इसको कहोगे स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस याद रखे गैमेटोजेनेसिस हम पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को हम इन ह्यूमन बींग्स डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में एक होती है आपके पास मेल के लिए स्पर्म बनना जिसको आप कहते हो स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होती है फीमेल में फीमेल में ओवम जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर ओवरी कहाँ प्रोड्यूस होते हैं ओवरी में ओवरी के अंदर स्पेशल फॉलिकल सेल्स होती हैं फॉलिकल सेल्स के अंदर कई स्टेज बनती है प्राइमरी फोलिकल सेकेंडरी फॉलिकल टर्टरी फॉलिकल और लास्ट में जो बनती है उसको आप कहते हो ग्राफियन फॉलिकल जब ग्राफ कैन फोलिकल रेप्चर होती है देन उससे बाहर जो निकलता है उसको आप ओव कह रहे हो ध्यान रखे इसको डायरेक्ट ओव नहीं करेंगे यहाँ पे जो बाहर निकलेगा उसको सेकेंडरी कहते सेकेंडरी कहते हैं वापस है म्योसिस करता है और ओवम बनाता है ये थोड़ी सी याद रखिए इसको कॉमन सा हम ये कह देते हैं कि प्रोड्यूस प्रोड्यूस हुआ ओम हुआ सेकेंडरी ऊसाइट पर निकलता है बाहर और सेकेंडरी ऊसाइट जो होता है वो म्योसिस करता है मियोसिस करने के बाद ओवम बनता है ठीक इस प्रोसेस को आप कह रहे हो यहां पे ये इनसे बन रही है इसको आप कह रहे हो ओोजेनेसिस ये कॉमन सी बात होगी आपके पास तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में आप ओोजेनेसिस इसको कहोगे देन आगे आगे हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक को अगर हम देखें इनसेमिनेशन व्हाट डू यू मीन अबाउट द इनसेमिनेशन इंसेमिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच सीमन आर ट्रांसफर टू ट्रैक्ट या फिर कहो फीमेल ट्रैक्ट फीमेल सेक्सुअल ट्रैक्ट ठीक है ट्रांसफर ऑफ स्पम इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ये बात भी आपकी ठीक है ट्रांसफर ऑफ स्पम स्पम जो होता है वो किसके साथ रहता है भाई सीमन के साथ रहता है और इसको आप रिप्रोडक्टिव रीपर्ड़, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल रहे हो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो वैजाइनल ट्रैक्ट से स्टार्ट हो जाता है ठीक है इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स और होते हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे ध्यान रहे आपको ये बात अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए कि इनसेमिनेशन इट इन नॉट फर्टिलाइजेशन ये फर्टिलाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है इनसेमिनेशन का मतलब होता है स्पम को आगे डालना अब वो फर्टिलाइज होते हैं या नहीं होते उससे कोई लेना देना इनसेमिनेशन का मतलब इतना ही होता है कि स्पम को बॉडी मे, में में ट्रैक्ट डाल देना यानी फीमेल बॉडी के अंदर डाल देना इसका मतलब ये नहीं है कि वो फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा देन उसके बाद में है फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप फीमेल पार्ट को देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर हम देखें तो ये ओवम है सॉरी ओवरी है ये और इससे ओवम प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे एक स्पेशल जगह होती है इन ट्यूब जिसको आप बोल रहे हो एम्पुला स्पम यहाँ आ रहा है स्पम चलते हुए आ रहे हैं अगर सेम टाइम पे अगर इनकी टाइमिंग दोनों की सेम है यहां पहुंचने की एमपुला में पहुंचने की बोथ गीस इन द एम्पुला ऑन द सेम टाइम देन फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन आर अकर्ड। इसी टाइम पे फर्टिलाइजेशन होगा अगर इनकी टाइमिंग गड़बड़ है अगर ये आगे निकल गया और ये पहले आ गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वी कैन नॉट से एनी टाइम की ओनली इनसेमिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन का मतलब होना ये नहीं है कि हमेशा ही क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि ये तो डिपेंड किस पे करता है आपके गैमिट्स के मूवमेंट पे वो गैमिट्स के मूवमेंट ऑन द सेम टाइम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ठीक है स्पम ओवम से जब मिलता है तो जायगोट बनता है फर्दर डिवाइड होने के बाद वो कई स्टेज से निकले निकलेगा जैसे मोरूला ब्लास्टूला गेस्टूला ठीक है गेस्टूला तो आपका वो ही पीरियड हो जाता है जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं आप नाइन्थ मंथ की तो कई स्टेज से निकलेगा निकलने के बाद वो आगे जाके एक बेबी को तैयार करेगा तो देन ये हम कह सकते हैं कि स्पम और ओवम का मिलना ही आगे जाके बेबी को बॉर्न करना है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्प्लांटेशन तो ये कैसी प्रोसेस है इसी में समझ लो आप अगर मान लो यहाँ पर जायगोट बन गया ये कंडीशन इधर समझा रहा हूं. यहां पर बन गया सपोज ये बन गया जायगोट बनने के बाद जो होता है वो डिफ्रेंसीट होना स्टार्ट कर देता है डिफ्रेंसीट और साथ साथ में डिवाइड होना बाय द माइटोसिस ध्यान रखिए ए सीरीज ऑफ माइटोसिस ए सीरीज़ ऑफ माइटोसिस स्टार्ट इन ए सीरीज़ ऑफ माइटोसिस स्टार्ट इन जाइगोट और वही आगे जाके क्या बनाएगी किसी बेबी को जन्म देगी ये जाइगोट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ अब जो चलेंगे वो चलेंगे आपके माइटोसिस क्या चलेंगे माइटोसिस और माइटोसिस चलने से लास्ट में बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी और ये सेल हैं अब बनने के बाद दी सेल आर डिफरेंसिएट इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तो ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे आगे जाके और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बना लेंगे ठीक है तो माइटोसिस की एक सीरीज चलती है तो इसी को मैं क्लीवेज वर्ड से रिप्रेजेंट करूंगा कहीं आपसे सुना हो क्लीवेज क्लीवेज वट डू यू मीन अबाउट द क्लीवेज तो आप बताओगे एम्ब्रियोट आर फॉर्म इन द एम्ब्रिय बाई दीरीज ऑफ माइटोसिस डिविजन बहुत कॉमन सी डेफिनेशन मैंने बताई वट इज द्लीवेज क्लीवेज के बाद लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जायगोट है

सीरीज़ ऑफ माइटोसिस डिवीज़न ये दिमाग में बिठा ले आप अच्छे से कि यहां पर माइटोसिस ही होगा म्योसिस अगर इस ऑर्गेनिज्म ये जो नया जीव बना है इसको मियोसिस करना है तो म्योसिस ये सिर्फ उस टाइम पे करेगा जब इसको गैमिट्स बनाने हैं इसकी लाइफ में अगर इसको म्योसिस करना है तो सिर्फ वो वहां पे करेगा जहां पे इसको क्या बनाने हैं गैमिट्स बनाने हैं क्योंकि मियोसिस सिर्फ गैमिट्स के लिए ही होगा बाकी इसके जीवन में कौन सा चलता रहेगा माइटोसिस ओके इम्प्लांटेशन का मतलब यही हुआ यहां पे मैं बता रहा था तो जैसे ही ये जो जायगोट है वो सिक्सटीन सेल स्टेज में पहुंच जाता है देन इस कंडीशन को मोरूला कहा जाता है मोरूला कहा जाता है मोरूला के बाद में थर्टी टू स्टेज आती है यहां तक पहुंच जाती है इस स्टेज को गैस्टूला कहा जाता है क्या कहा जाता है मोरूला ब्लास्टूला सॉरी क्या कहोगे आप इसको ब्लास्टूला और ब्लास्टूला के बाद में अगर ये आगे और डेवलप होता है तो मैं इसको गैस कहूँगा, कहूंगा क्या कहूंगा गैस तो ध्यान रखें ये मेरे पास जायगोट है जायगोट में पहले टू सेल्स स्टेज आती हैं फिर फोर सेल स्टेज आती हैं फिर एट सेल स्टेज आती हैं फिर सिक्सटीन सेल स्टेज आती हैं सिक्सटीन सेल स्टेज आते ही इस कंडीशन को मोरूला कहा जाता है मोरूला जो होता है वो मूव कर जाता है फिलोपियन ट्यूब से और यूट्रस में आके एंटर हो जाता है नानी ये यूट्रस में आ जाता है यूट्रस में आने के बाद ये आगे फर्दर डिवाइड होगा और थर्टी टू सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा इस कंडीशन को ब्लास्टुला कहा जाता है ब्लास्टुला बनते ही जैसे ही ब्लास्टुला फॉर्म हो जाती है ब्लास्टुला फॉर्म होने के बाद ये जो यूट्रस है इसकी युट्रस जो है, इसकी ये जो लेयर है उसको मैं एंडोमिट्रियम कहूंगा ऑब्वियसली यूट्रस वाल इज डिवाइड इन थ्री पार्ट्स, पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंड एंडोमिट्रियम पेरीमिट्रियम मायोमिट्रियम एंड एंडोमिट्रियम यूट्रस वाल इज डिवाइड इन थ्री लेयर पेरीमिट्रियम मायोमिट्रियम एंड एंडोमिट्रियम पेरीमिट्रियम जो होती है वो सबसे ऊपरी ऊपर होती है देन उसके बाद में मायोमिट्रियम आती है देन उसके बाद में एंडोमिट्रियम आती है पेरीमिट्रियम जो होती है नॉर्मली प्रोटेक्शन का काम करती है यूटरस की प्रोटेक्शन का काम करती है और देन अटैचमेंट रखती है एब्डोमिनल केविटी के साथ एब्डोमिनल केविटी में ही तो जुड़ा रहता है यूट्रस बाहर थोड़ी रहता है तो ये यूट्रस में प्रोटेक्शन का काम करती है देन उसके बाद में ये बारी-बारी बार की हो गई देन मायोमेट्रियम मायोमेट्रियम जो होती है इसके पास पावरफुल मसल्स होती हैं देन ये कॉन्ट्रक्शन का काम करवाती है जब बच्चा यूट्रस से बाहर आता है तो जोरदार कॉन्ट्रेक्शन करवाने का काम मायोमिट्रियम का होता है बाय द ऑक्सीटोसिन हार्मोन विदाउट ऑक्सीटोसिन हार्मोन मायोमिट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकती है अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो डिलीवरी का टाइम होता है अगर किसी लेडीज के ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो रहा है तो डॉक्टर उसको पिटोसिन के इंजेक्शन डालता है पिटोसिक्स पिटोसिन के अंदर ऑक्सीटोसिन ही होता है तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाए देन लास्ट की जो होती है वो एंडोमेट्रियम होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इम्प्लांटेशन इसी में होता है ध्यान रखना इन दो में इम्प्लांटेशन कभी नहीं होगा इम्प्लांटेशन का मतलब होता है रुक जाना रुक जाना ठहर जाना तो यहां पर जैसे ही ये ब्लास्टूला बनता है ब्लास्टूला जो बनता है तो लुक लाइक दिस लुक लाइक दिस तो जो जो आउटर सेल वाल है जो आउटर जो सेल की जो वाल है ये ये एक अलग लेयर में बनती है और ये एक अलग लेयर में बनती है ठीक है याद रखें ठीक है तो यहाँ पर ये जो वाल होती है ये बाहर की जो होती है ये इसके साथ अटैचमेंट कर जाती है इसको ट्रोपोब्लास्ट कहा जाता है और ये जो होता है इनर मास सेल ये आगे जाके ट्रॉपोब्लास्ट जो होती है इससे कनेक्ट हो जाती है देन ये जो इनर मास सेल होता है वो आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है ओके अंडरस्टैंड ब्लास्टूला 32 थर्टी टू सेल स्टेज होती है जिसमें बाहर की जो लेयर बनती है वो ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है एंड जो अंदर ग्रुप ऑफ सेल इज कार्ड इनर मास सेल जो ट्रोपोब्लास्ट जो होती है वो एंडोमिटियम के साथ जुड़कर जुड़कर प्लेसेंट्रिक प्लेसेंटा की फॉर्म करती है और जो ये अंदर का जो है वो आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है लेकिन प्लेसेंटा बनने से पहले प्लेसेंटा बनने से पहले होता क्या है जैसे ये आपका आ गया Blastula. ये है यूट्रस वॉल ऑब्वियसली कौन सी होगी ये एंडोमेट्रियम कौन सी होगी एंडोमेट्रियम देन क्या होता है कि ये जो वॉल है वो उसको ऐसे कवर करता और इसको एम्बेडेड कर देती है अंदर की तरफ धसा लेती है इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है क्लियर इसी प्रोसेस को कहा जाता है बाद में ये प्लेसेंटा बना ले स्टेशन वो पीरियड होता है जितने टाइम जो ब्लास्टूला है वो आगे जाके गैस्ट्रुला बनाएगा और अब जो बेबी है उनके अलग अलग पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो नाइन्थ मैन जो बेबी है वो यूट्रस में रहता है इसको गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है पार्चुलेसन का मतलब होता है बेबी का यूट्रस से बाहर आना बाय द डिलेवरी प्रोसेस ठीक है तो डिलेवरी के जरिए जब बेबी बाहर आता है ठीक है तो इस प्रोसेस को पार्चुलेसन कहा जाता है ओब्वियसली तो आपने इन चीजों का मतलब सीखा देन आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक में द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल और फीमेल दोनों में ये बात हमने कर ली है देन पर अगर हम देखें तो कॉमन सी बातें हो रहे हैं मेल की अगर हम बात करें तो स्प्रमेटोजिनेसिस स्टैंड एट द प्यूबर्टी ध्यान रखना मेल की कंडीशन में जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पम बनते हैं बच्चों स्पम का जो फॉर्मेशन होता है वो उसके प्यूबर्टी टाइम में होता है प्यूबर्टी का टाइम जैसे वो थर्टीन के बाद पार निकल रहा है वो जवानी की अवस्था में आता है प्यूबर्टी टाइम में चला गया यौन आरंभ क्या कहते हैं जिसको हम यौन आरंभ प्यूबर्टी में आता है देन उस टाइम पे उसमें स्पम बनते हैं लेकिन सरप्राइजली एक बहुत सरप्राइज वाली बात है कि फीमेल में प्रोसेस यानी जो एग बनता है वो उस टाइम पे बनता है जब वो फिटल स्टेज पे होती है स्टेज मतलब जब वो बेबी के रूप में युट्रस में रहती है फीमेल उसी टाइम पे उसमें क्या बनने लग जाते हैं एग्स एग्स यानी उसमें ओवरी से ओवम प्रोड्यूस होने लग जाते हैं देन एक स्टेज पे आके रुक जाते हैं और फिर बाद में वापस से थर्टीन या फोर्टीन के एज में वापस से उसमें डिवीजन डियू, स्टार्ट होता है लेकिन आप बनना स्टार्ट वहीं से हो जाता है दिस प्रोसेस इवन इन जैसे कॉमन सी बात है कि ये कंटिन्यूस चलती रहती है बुढ़ापे तक इस पम्प का बनना किसी मेल के अंदर बुढ़ापे तक चलता रहेगा बाकी जो फीमेल है उसमें ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है मेनोपॉज कंडीशन में व्हाट डू यू मीन अबाउट द मेनोपॉज मेनोपॉज एक ऐसी कंडीशन है 45 से 50 साल यानी 15 एज तक उसमें आ, हार्मोनल जो कंडीशन है उसकी बंद हो जाती है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलना उसमें बंद हो जाते हैं और उसमें एज की एज में उसमें मीनोकोज अवस्था आ जाती है मीनोकोज फेज आ जाती है देन बंद हो जाएगी बहुत मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स की मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की देन ये आर लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन पेल्विस रीजन ऑब्वियसली पेल्विस रीजन जो होता है वो गोनार्डस का एरिया होता है पेल्विस रीजन जिसको किसको को जो पेल्विक कंडीशन में हो जैसे आपकी पेल्विक बोन होती, होती है तो उसी एरिया में आपका ये क्या रहता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में ही पेल्विस रीजन में रहता कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में डक्ट सिस्टम और दिखा रखा है देन वो डायग्राम से मैं आपको इसको वापस से और समझाऊंगा अभी मैंने कॉमन सी बात की है रेटेटेस्टी वाट वासाई फ्रेंसिया एपिडिडाइमस इजाकुलेटरी डक्ट यूरिथ्रा डिफ्रेंसिया और इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जैसे सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेड बल्बो ग्लैंड ठीक है और मेल के एक्सटर्न जेनिटीलिया स्क्रोटम और पेनिस स्क्रोटम और पेनिस ये एक्सटर्नल है ये सारी बातें आप डायग्राम से समझोगे एक और बात ये बात आपको यही समझनी है वो तो मैं डायग्राम से और समझा दूंगा आपको कि सेक्सुअल डाइमोर्फिज क्या होता है कि जो मेल और फीमेल जो होते हैं उनकी क्लियर आइडेंटिफिकेशन डायमोरफिज कहलाता है यानी किसी भी कंडीशन में मेल को आप अच्छे से पहचान सकते हो और फीमेल को आप अच्छे से पहचान सकते हो कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस डिफरेंस है बिटवीन ईच अदर तो इसको डाइमोर्फिज्म कहा जाता है कैंसी डाइमोरफिज ह्यूमन है फ्रॉम फीमेल यानी वो कंप्लीटली मेल और फीमेल में डिफरेंट करके चलता है दोनों के अलग अलग करेक्टर होते हैं जैसे एक कॉमन सा करेक्टर मेल में दाढ़ी आती है लेकिन फीमेल में दाढ़ी नहीं आती है सेक्स ऑर्गन्स वो प्रोड्यूस जैसे मेल केस में आप देखोगे तो टेस्टीज है और फीमेल केस में आप देखोगे तो ओवरी है क्या आएगा ओवरी टेस्टीज जो होते हैं स्प करते हैं और ये ओवम प्रोड्यूस करते हैं इसके अलावा हार्मोन्स कौन सा प्रोड्यूस करते हैं टेस्टीज एंड्रोजन या फिर ऑल्सो टेस्टोस्टेरोन और ही कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो गैमिट्स को मैचरेट करें उनकी हेल्पिंग करें और फर्टिलाइजेशन में उनकी हेल्प करें और आगे चलाने में उनकी मदद करें उनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गल्स कहते हैं ठीक है ये मैंने कॉमन सी बात की नेक्स्ट स्लाइड में मैं डायग्राम में डाल के आपको अच्छे से इन बर्डो को अच्छे से क्लियर कट करूँगा मैं अभी के लिए कॉमन सा इंट्रोडक्शन था हमने कुछ बेसिक बातें वो सीखी जो हम लोअर स्टैंडर्ड में थोड़ा सा पढ़ के आ गए थे नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास ओके तो यहाँ पर हमने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में कुछ बेसिक बातें सीखी देन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम विथ डायग्राम इसको एक्सप्लेन करेंगे क्लियर कट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ओके आज के लिए इतनी क्लास Thank you so much.